Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Algebraic identities ke upar based kuch examples dekhte hain. First hai, write 3a plus 4b plus 5c whole square in expanded form. Isko hum expanded form mein likhna hai. So is expression ko agar hum compare karenge, तो ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जिससे ये मैच होता है. और इस केस में x है 3a, y है 4b, z है 5c. सो अगर हम फिफ्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे, सो 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म और थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac. ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz. सो इसको अगर हम कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे या फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वाई का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर. सो इन तीनों को यूज करके हम बाकी की टर्म्स लिख सकते हैं अगर हम फिफ्थ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो. 2 into first term into second term, that is 2x into minus y, 2 into second term into third term, plus 2 into third term into first term. तो इसको हम identity use करके 2x plus minus y plus z का whole square लिख सकते हैं, which is equal to 2x minus y plus z whole square. So further it can be written as 2x minus y plus z, 2x minus y plus z. Another example, evaluate each of the following using suitable identity. 104 का क्यूब और 999 का क्यूब हमें without actually multiplying identity use करके solve करना है. So 104 को लिख सकते हैं 100 plus 4, इसका क्यूब आ गया, तो ये x plus y का whole cube, which is the sixth identity. So 100 cube plus 4 cube plus 3 into first into second, that is 100 into 4 plus x plus y, that is 100 plus 4. Further इसको solve करके हमारे पास ये इसका answer आ गया. ऐसे अगर हम 999 cube देखें, तो वो है 1000 minus 1 whole cube. इसमें हम 7th identity use कर सकते हैं, which is x cube minus y cube minus 3 into x into y multiplied by x minus y. Solve करने के बाद ये हमारे पास answer आ गया.